तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आज हम स्टार्ट करेंगे अपना एमएस एक्सेल में लेसन नंबर 19। ठीक है, आप इस लेसन में देख सकते हो कितने पॉइंट है, 1 से लेके 9 तक है। इन सभी पॉइंट्स को इस वीडियो में कवर करेंगे, ठीक है, वो भी इजी और आसान तरीके से। और गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले बता दूं कि मैं इस कोर्स से जो है रिलेटेड हर एक वीडियोस के लिंक जो है हर एक वीडियोस के डिस्क्रिप्शन में है, ठीक है। तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके कोर्स से रिलेटेड कोई सी भी वीडियोस देख सकते हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो देखो यहाँ पे पहले नंबर पे क्या कह रहे हैं दोस्तों कि ड्रा दी फॉलोइंग टेबल एंड कंप्यूट दी फॉलोइंग फील्ड्स। इस टेबल को बनाओ और बाकी कॉलम्स को फिलअप करो। तो यहाँ पे पहले मैं एक्सेल में इस टेबल को पहले ड्रॉ करता हूँ, ठीक है। तो जाते हैं एक्सेल पे और यहाँ पे मैं इस टेबल को इंसर्ट कर लेता हूँ। तो देखो मैंने यहाँ पे सिंपल डाटा को जो है टाइप कर दिया, ये देखो, ठीक है। इस तरह से मैंने यहाँ पे बॉल्स प्लेड लिख दिया मैंने, और ये रन स्कोर है प्लेयर का, और ये यहाँ पे स्ट्राइक रेट निकालना है हमें, ये इंडिया टीम लिखा हुआ है। तो यहाँ हमें क्या करना है, अब स्ट्राइक रेट निकालना है। स्ट्राइक रेट कैसे निकालेंगे, इज इक्वल टू टाइप करेंगे और फिर हम रन स्कोर का ये सेल लेंगे और इसे कर देंगे हम डिवाइड में कितने बॉल प्ले करे हैं ये वाला सेल, ठीक है, और 100 लगा देंगे। फिर हम यहाँ पे एंटर कर देंगे। तो देखो ये स्ट्राइक रेट इसका जो है यहाँ पे 188 है, ठीक है। इसी तरह से इसको ड्रैग ड्रॉप कर लेंगे तो सभी के जो है स्ट्राइक रेट निकल आएंगे, ठीक है। इसका 102, 40, 100। स्ट्राइक रेट क्या होता है दोस्तों, कि इसे हम देखकर ये आइडिया लगा सकते हैं कि कितने गेंदों में कितने रन लगे हैं, ठीक है। इससे मोटा मोटा जो है आइडिया लगता है हमें कि प्लेयर किस तरह से खेल रहा है, कितने गेंदों में कितने रन उसने बना लिए, ठीक है। इसके बारे में और भी डिटेल से आप जानना चाहते हैं तो यूट्यूब में एक और सेपरेट वीडियो देख लेना कि स्ट्राइक रेट क्या होता है, ठीक है, वहाँ और अच्छे से आपको पता चलेगा। तो ठीक है, यहाँ पे हम स्ट्राइक रेट इस तरह से निकालेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है, यहाँ इंडिया के नीचे जो है ये तीनों बॉक्स हमें सेलेक्ट करना है इस तरह से, और फिर होम टैब में जाना है। होम टैब में हमें ये वाला ऑप्शन लेना है यहाँ से, मर्जर सेंटर, इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे और भी ऑप्शन खुलता है कि आप क्या करना चाहते हैं इसमें। तो मुझे यहाँ पे मर्ज सेल करना है, ये मैंने क्लिक किया तो यहाँ से जो है सभी मर्ज और सेंटर भी हो गया। तो यहाँ पे अब मैं इंडिया लिखना है, आई यहाँ पे इसने उठा लिया तो मैं इसी को उठा लेता हूँ, ठीक है, इंडिया। इस तरह से यहाँ पे हमारा टेबल जो है अब पूरा हो गया, ठीक है। तो अब नेक्स्ट देखते हैं वो क्या कह रहे हैं। तो ये हमने यहाँ पे कर दिया, स्ट्राइक रेट निकाला और इंडिया लिखा। आगे है कि शो एनी पिक्चर इन हेडर एंड फुटर ऑप्शन। हेडर और फुटर में क्या एक पिक्चर जो है इंसर्ट करना है, तो वो देखते हैं कैसे करेंगे। अभी हमें हेडर फुटर खोलने हैं इसके, तो वो कैसे करेंगे, इंसर्ट में जाएंगे और यहाँ से हमें हेडर फुटर पर क्लिक करना है। इस तरह से क्या होगा देखो यहाँ पे, तो आप देख सकते हो यहाँ पे जो है अभी हमारी शीट कैसे अलग हो गई है। ये जो है अलग व्यू है, ये कौन सा व्यू है, ये है पेज लेआउट व्यू। आपको मैंने बताया था व्यू ऑप्शन में जाके यहाँ से आप पेज लेआउट व्यू देख सकते हैं और ये कस्टम व्यू कर सकते हैं, फुल स्क्रीन। आप अलग अलग तरीके से जो है इसको व्यू कर सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट को। बट हमने यहाँ पे जब हेडर फुटर पे क्लिक किया तो ये जो है कौन सा व्यू खुल गया हमारा, हेडर फुटर पे क्लिक करते ही पेज लेआउट व्यू। हम यहाँ से भी कर सकते हैं व्यू, नॉर्मल व्यू पे क्लिक करेंगे तो नॉर्मल पेज लेआउट पे ये होगा, ये फुल स्क्रीन। ये अभी पेज लेआउट व्यू में हमें ऐसा दिख रहा है क्योंकि हमने यहाँ पे अपना हेडर फुटर खोला। ये आपका यहाँ हेडर खुल गया, वो कह रहे हैं कि अपने हेडर पे यहाँ पे एक पेज इंसर्ट करना है, ठीक है। वो कैसे करेंगे, तो जैसे ही हम यहाँ पे लेफ्ट सेंटर राइट कहीं पे भी फुटर में कुछ डाल सकते हैं, तो मैं सेंटर में डालता हूँ पेज। तो जैसे ही हमारे फुटर खुलता है, फुटर के लिए यहाँ पे एक ऑप्शन डिजाइन का आ जाता है, तो यहाँ मुझे इंसर्ट करना है पेज। तो मैं यहाँ पे आप देख सकते हो डिजाइन में यहाँ पे क्या है, पिक्चर, इस पर क्लिक करूंगा। तो अब मुझे यहाँ से पिक्चर चूज करना है, तो सपोज मैंने यहाँ से ये हार्ट का मैंने यहाँ से क्लिक किया और यहाँ से मैंने इंसर्ट कर दिया। तो इंसर्ट करने पे एंड पिक्चर, ये कोड इंसर्ट हुआ है यहाँ पे, ठीक है, अभी वो शो नहीं हो रहा बट यहीं पे वो इंसर्ट होगी हमारी पिक्चर हार्ट वाली। तो उसके अब यहाँ पे शो कैसे होगी, हम जैसे ही अपनी शीट पे क्लिक करेंगे दोस्तों ऐसे करके, तो देखो ये जो है इस तरह से इंसर्ट हो चुकी है, ठीक है। अब यहाँ देख रहे हो ये तो पूरे पेज पे दिख रहा है, साइज काफी बड़ा है, अब छोटा करना है इसे। तो वापस हम अपने सेंटर यहाँ पे हेडर पे क्लिक करेंगे, ठीक है, ये देख रहे हो इस बॉक्स पे सेंटर वाले पे क्लिक करते ही ये सिलेक्ट रहता है, ठीक है। तो अब क्या करना है हमें, यहाँ से पिक्चर हमने तो इंसर्ट करी थी, बगल में क्या रहता है फॉर्मेट पिक्चर, ठीक है, इसको मैंने एंड पिक्चर को यहाँ पे सिलेक्ट है भी ये, तो फॉर्मेट पिक्चर करना है तो फॉर्मेट पे क्लिक कर दूंगा और यहाँ से हाइट वेथ
और ये स्केल का है हाइट और विथ। हम किस चार में से जो है, ये चार बॉक्स है, चारों में से किसी में भी चेंजेस करेंगे तो ये चारों में ऑटोमेटिकली चेंज होता रहेगा, ठीक है। तो मैं यहाँ से हाइट देख लेता हूँ, हाइट मुझे यहाँ से कितना करना है, करीब काफ़ी छोटा करना है, 105 है ये परसेंट, तो मैं इसे जो है काफ़ी प्रेस करके यहाँ से मुझे 7 करना, यहाँ पे मैं 7 सेट करूँगा तो सभी जो है अपने आप साइज इसका सेट हो जाएगा। और यहाँ से बस मैंने एक चीज़ 7 रखी है, अभी यहाँ से ओके कर दूंगा तो देखो अभी भी ये कोड दिख रहा है, पर बाहर क्लिक करते हैं अब हम तो देखो इसका साइज यहाँ प्रॉपर आ चुका है। क्या इस तरह से हम हेडर फुटर पे पिक्चर इंसर्ट कर सकते हैं। अब हमें हेडर फुटर से बाहर दूसरा व्यू कर सकते हैं, यहाँ से नॉर्मल पे क्लिक कर देते हैं। ऐसे नॉर्मल पे क्लिक करते ही हेडर फुटर गायब हो जाएगा, लेकिन घबराने की बात नहीं है, हेडर फुटर आपका लगा रहता है, ठीक है। बस एक्सेल में जो है ये शो नहीं होता। आपको हेडर फुटर देखना है तो आप यहाँ से पेज लेआउट व्यू में चले जाना, ऐसे करके आपको ये ऐसे दिखेगा, ठीक है, आपका हेडर फुटर भी दिखेगा। तो मैं नॉर्मल व्यू कर लेता हूँ यहाँ से। तो अब नेक्स्ट देखते हैं हम क्या कह रहे हैं। ये हमने कर दिया पेज इंसर्ट, अ चेंज इंक्रीज डिक्रीज द स्टैंडर्ड विथ द ऑल कॉलम्स, ठीक है। अब ये देखो, अब देखो ये क्या है विथ, वो विथ का मतलब ये है कि ये चीज कॉलम की, ठीक है, लंबाई इधर से ऐसे करके, ठीक है, ये विथ है, हम बढ़ा रहे हैं ना, ये विथ बढ़ रही है, ठीक है, इस तरह से कम हो रही है। तो हम जो है इसे इस तरह से भी कर सकते हैं, ठीक है, मैनुअली। देखो जैसे कि मुझे इसकी भी तो बढ़ानी है, ये बढ़ा सकता हूँ, ये भी बढ़ा सकता हूँ, ऐसे करके ये सारे मैं जो है बढ़ा सकता हूँ, ठीक है, इस तरह से मैनुअली। लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ, ये कॉलम्स जो है मेरे सारे, मैं यहाँ से लेके यहाँ तक सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है, ठीक है। ये कॉलम्स मैंने चारों कॉलम सेलेक्ट कर लिए, उसके बाद मुझे इसकी विथ मैनुअली कम नहीं करना, एक ही बार में हो जाए ऐसा कुछ करूँगा। तो क्या करेंगे, होम में जाएंगे, यहाँ से फॉर्मेट पे क्लिक करना है। ध्यान रहे आपको चारों कॉलम सेलेक्ट रहना चाहिए, जितने कॉलम की विथ आपको सेट करनी है। फॉर्मेट पे क्लिक करने के बाद ये देखो कॉलम विथ पे क्लिक करेंगे। अब कॉलम विथ पे, अब यहाँ पे आपको वैल्यू डाल के देखना है कि कितना करना है, ठीक है, आपको एक बार ही पता चल जाएगी कि कितने में कैसा होता है। अब रैंडमली कुछ डाल दिए, मैं डाल देता हूँ यहाँ पे, सपोज डाल देता हूँ मैं यहाँ पे 8, ठीक है। 8 डालने पे अब क्या होगा, मैं यहाँ आगे 8 के बाद यहाँ पे एक डॉट भी डालूंगा, ठीक है, डॉट भी डालना है, ओके। तो देखो 8 में ये कितना छोटा हो गया, ठीक है, विथ एकदम पूरी कॉलम की विथ, पूरी कॉलम की ए बी सी डी पूरी कॉलम की छोटी हो गई है, ठीक है। तो वापस अगर मुझे बढ़ानी हो, मैं सिंपल ऐसे करके यहाँ से भी ऐसे करके बढ़ा सकता था, ठीक है दोस्तों, ऐसे करके, बट मैंने चारों कॉलम सेलेक्ट कर लिए और होम टैब में फॉर्मेट पे गया, यहाँ से कॉलम विथ, और यहाँ पे मुझे सपोज अब मैं डाल देता हूँ यहाँ पे 15, 15 जो भी डालोगे आगे आपको डॉट डालना है, डॉट फिर ओके। तो देखो इसकी विथ कैसे बढ़ गई सभी की कॉलम की, ठीक है। तो यहाँ से एक साथ हम कॉलम की विथ बढ़ा सकते हैं ऐसे, ये हमने कर लिया। आगे है शो एनी पिक्चर एज अ बैकग्राउंड ऑफ योर वर्कशीट। हमने एमएस वर्ड में तो सीखा था कि पीछे बैकग्राउंड में कैसे इमेज इंसर्ट करते हैं, सेम यहाँ पे भी वही प्रोसेस है। हमें पीछे अपने वर्कशीट में, ये जो शीट है हमारी पेज है, इसमें हमें इसके बैकग्राउंड में हमें कोई इमेज इंसर्ट करना है, तो कैसे करेंगे, तो दोस्तों यहाँ इंसर्ट पे क्लिक करना है। इंसर्ट से यहाँ से अगर इंसर्ट करेंगे तो हमारे शीट के ऊपर कहीं पे भी इंसर्ट हो जाएगा, तो हमें पीछे बैकग्राउंड में चाहिए पूरे पेज के, तो वो कहाँ से इंसर्ट करेंगे, उसके लिए पेज लेआउट पे क्लिक करेंगे। पेज लेआउट पे ये रहा बैकग्राउंड, ठीक है, बैकग्राउंड पे क्लिक करना है हमें। यहाँ से आप अपनी मेमोरी में से कहीं से भी आप जो है अपनी एक इमेज आप देख लेना, और यहाँ पे सपोज मैं ये अपनी ड्राइंग स्नेक वाली इंसर्ट करता हूँ, तो देखो यहाँ पे जो है मेरे बैकग्राउंड में जो है इंसर्ट हो गई है मेरी ड्राइंग, ठीक है, इस तरह से, तो ये पूरे बैकग्राउंड में इंसर्ट हुई है, ठीक है। तो अभी इसको मैं यहाँ से अंडू कर देता हूँ। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है यूज दी ट्रेस प्रेसिडेंट ऑप्शन एंड सी दी डिफरेंस। तो अब इसे देखते हैं, देखो मैंने यहाँ पे क्या लिखा, 5 सिंपली, और यहाँ लिखा मैंने 3, ठीक है दोस्तों, और यहाँ लिखा मैंने 2, ठीक है, और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इज इक्वल टू ये वाला सेल प्लस करता हूँ ये वाला सेल प्लस करता हूँ ये वाला सेल, ठीक है, एंटर।
इन तीनों को मैंने यहाँ पे सम कर दिया। अब ट्रेस प्रेसिडेंट क्या होता है और ट्रेस डिपेंडेंट क्या होता है वो बताता हूँ आपको, ठीक है। तो उसके लिए मैं फॉर्मूला में जाऊंगा और फॉर्मूला में आप यहाँ देख सकते हैं ट्रेस प्रेसिडेंट और ट्रेस डिपेंडेंट। आप इस पर क्लिक करके भी रखोगे तो आप देख सकते हो ये इसका जो नीचे हमें एक एग्जाम्पल शो कर रहा है कि 25 और 50 प्लस कितना होता है 75। तो ये इस तरह से ट्रेस प्रेसिडेंट बताते हैं। ट्रेस का मतलब मार्क, निशान। तो मैं आपको यहाँ पे करके दिखाता हूँ इसका ऑप्शन का मतलब। तो ये देखो, हम मैंने 10th पे क्लिक किया। अब मुझे जानना है ये 10th जो है किसका प्लस है, ठीक है, ये किस किस का जोड़ है। तो मैं ट्रेस प्रेसिडेंट पे क्लिक करूंगा। आप देख सकते हो ये तीन सेल है, एक सेल, दो सेल, तीन सेल, ठीक है, तीन सेलों का जो है ये प्लस है 10th। तो यहाँ से ट्रेस प्रेसिडेंट का मतलब ये होता है, ठीक है। अब इसको यहाँ से मुझे हटाना है तो यहाँ से रिमूव एरो करेंगे नीचे, इस तरह से ये रिमूव हो जाएगा। अब मुझे जानना है 5 जो है किस पे डिपेंड है, ये 3 किस पे डिपेंड है या 2 किस पे डिपेंड है। इसके लिए मैं एक किसी भी सेल पे क्लिक करूंगा और यहाँ से मुझे ट्रेस डिपेंडेंट पे क्लिक करना है, ठीक है। इस पे जो क्लिक करेंगे तो ये दिखेगा जो है 10th पे डिपेंड है आपका 5। अगर 2 का जानना है तो मैं 2 पे क्लिक करके ट्रेस डिपेंडेंट क्लिक करूंगा तो ये 2 जो है आपके 10 पे डिपेंड है। तो ये डिपेंडेंट आप इस तरह से देखेंगे। और आपको रिमूव करना है तो रिमूव एरो सारे रिमूव हो जाएगा, लेकिन यहाँ छोटे से डॉट पे क्लिक करोगे तो यहाँ से आपको सिंगल रिमूव का ऑप्शन मिलेगा। आप प्रेसिडेंट रिमूव कर सकते हैं और या फिर डिपेंडेंट भी रिमूव कर सकते हैं या सभी रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। तो डिपेंडेंट और प्रेसिडेंट यहाँ से इस तरह से देखेंगे हम। अभी नेक्स्ट देखते हैं आगे है, यूज दी ट्रैक चेंज ऑप्शन एंड एक्सेप्ट और रिजेक्ट दी चेंज इन योर शीट। तो हमें यहाँ पे जो है ये ट्रैक चेंज वाला ऑप्शन जो है इसको समझना है, ठीक है। इसमें एक्सेप्ट और रिजेक्ट करना है ट्रैक चेंज ऑप्शन। तो इसको देखो, तो मैं इस टेबल के जरिए आपको ये ऑप्शन समझाता हूँ, ठीक है, ट्रैक चेंज ऑप्शन। तो पहले मैं इस टेबल को यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ और जाता हूँ रिव्यू ऑप्शन में। यहाँ पे मेरा ये रहा ट्रैक चेंज ऑप्शन, इस पर क्लिक किया। अभी ये नीचे मेरा ट्रैक एक्सेप्ट और रिजेक्ट चेंज ऑप्शन नहीं खुल रहा, क्योंकि पहले मुझे टेबल सिलेक्ट करना है और यहाँ पे डालना है पहले, ठीक है, हाईलाइट चेंज पे। इस पे क्लिक किया मैंने हाईलाइट चेंज पे और यहाँ से जो है ये मुझे ट्रैक चेंज इसको इनेबल करना है, इस पे मैंने क्लिक किया। और यहाँ पे वेयर करना है, मतलब यहाँ रेंज लेना है, रेंज पे मुझे ये टेबल पूरा लेना है इस तरह से, ठीक है। यहाँ पे मैंने इतना करने के बाद ओके कर दिया, ठीक है, और यहाँ से भी ओके कर दिया, सेव हो जाएगा इस तरह से ये चीज यहाँ पे ट्रैक चेंज में। अब क्या होगा, वापस से मैं ट्रैक चेंज ओपन करता हूँ और ये नीचे वाला ऑप्शन अब खुल चुका है, ठीक है। तो अब मुझे ये रिजेक्ट और एक्सेप्ट से यूज करने से पहले अब मुझे क्या करना है कि जैसे कि ये 6 है, अब मैंने इस 6 को हटा के यहाँ पे मैंने सपोज 8 रख लिया, चेंज कर दिया मैंने इसको, और इस 6 को यहाँ से हटा के यहाँ पे मैंने 10 डाल दिया, और ऊपर से ये 55 है इसको मैं यहाँ से 1 रख लेता हूँ, ठीक है। मैंने 3 चेंजेस कर दिए इस टेबल पे, क्या क्या किया। अब यहाँ पे आप ये भी देख सकते हो ट्रैक चेंज का, ये देखो यहाँ से क्लिक करते ही यहाँ पे दिख रहा है आपने ये चेंज करा है यहाँ पे, ठीक है। आपने पहले टेबल को सिलेक्ट करके ये पूरा टेबल यहाँ ट्रैक चेंज में डाल दिया था, उसके बाद अब उसके डालने के बाद आप टेबल पे जो भी चेंजेस करोगे वो बता देगा ये ट्रैक चेंज कि आप क्या क्या चेंज कर रहे हो। अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम वापस से इस डाटा को सिलेक्ट कर लेते हैं अपने को और जाते हैं ट्रैक चेंज पे। एक्सेप्ट और रिजेक्ट अब मुझे यूज करना है, इस पर क्लिक किया और यहाँ पे जो है हमारे टेबल का डिटेल है, ये हमारा रेंज है यहाँ पे टेबल का पूरा देख सकते हो। ओके कर देंगे कि ठीक है भाई यही चाहिए। अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं, देखो चेंज सेल A5 ये दिख रहा है, ये वाला सेल जो है आपका कितना था, 6 था पहले, 2 8 कर दिया गया है। क्या आपको 8 रखना है, अगर आपको 8 ही रखना है तो यहाँ से एक्सेप्ट करना है, या फिर पहले का 6 चाहिए तो यहाँ से रिजेक्ट करना है। तो मुझे सपोज 8 नहीं चाहिए तो मैं यहाँ रिजेक्ट कर दूंगा तो यहाँ 6 आ जाएगा। अगला चेंज आपका ये था 10, ये पहले 6 था, आपने 10 किया, चाहिए 10 मुझे, यहाँ चाहिए तो एक्सेप्ट कर दूंगा। और फिर अगला चेंज ये रहा 1, ये था पहले आपका 51। तो आप एक एक करके एक्सेप्ट रिजेक्ट कर सकते हो या फिर एक साथ एक्सेप्ट रिजेक्ट कर सकते हो, ठीक है, आपको जो करना है आप कर लेना। इस तरह से आप यहाँ पे ट्रैक चेंज को देखोगे, ठीक है। अब अगला देखते हैं, तो ये हो गया हमारा। तो नेक्स्ट है प्रीपेयर अ स्कोर कार्ड क्रिकेट मैच। ये जो हमारा यहाँ पे ये टेबल है दोस्तों, स्कोर कार्ड है ये, इंडियन स्कोर कार्ड। तो यहाँ पे प्लेयर्स के नेम है, यहाँ से रन स्कोर है
और यहाँ से उन्होंने कितने बॉल खेले हैं वो है, ठीक है। तो ये टेबल जो है हमें अब क्रिएट करना है, यहाँ देख सकते हो प्रिपेयर करना है इस स्कोर कार्ड को, ये वाला, ठीक है। तो इसको मैं पहले एक्सेल पे लिख लेता हूँ, और यहाँ पे लिखना था मुझे टोटल बॉल, यहाँ पे टोटल करना है इनका और यहाँ पे टोटल। तो पहले मैं इसको एक्सेल में लिख लेता हूँ, उसके बाद इस टेबल से रिलेटेड ये पॉइंट्स है, ये वाले पॉइंट्स, इनको कवर करते हैं। तो मैं सपोज यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे टेबल इंसर्ट कर लेता हूँ। तो दोस्तों मैंने यहाँ पे ये टेबल जो है यहाँ पे इंसर्ट कर दिया है, आप देख लो। अब यहाँ पे क्या करना है मुझे, रन स्कोर यहाँ पे टोटल करना है। तो इसके लिए इज इक्वल टू और फिर करूँगा एस यू एम, सम करना है हमें। तो और फिर यहाँ से मैं जो है यहाँ से लेके यहाँ तक पूरे स्कोर को प्लस कर दूंगा, तो ये जो है इनका पूरा स्कोर दिखेगा। और यहाँ पे इज इक्वल टू करके एस यू एम सम लेना है, और यहाँ से बॉल प्लेड ये पूरा ले लेते हैं यहाँ से एरिया, और यहाँ पे इतने गेंद इन्होंने खेली है और यहाँ इतने स्कोर करे हैं इन्होंने। अब नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे टेबल इंसर्ट करने के बाद, अब यहाँ है नंबर ऑफ प्लेयर प्लेड नॉट इट, अभी जो प्लेयर यहाँ पे नहीं खेल रहे हैं वो कौन से हैं हमें निकालना है, ठीक है। तो मैं यहाँ करता हूँ, देखो हमारे पास ये प्लेयर है, इनमें से जो है जो खेल रहे हैं उनके स्कोर यहाँ पे दिख रहे हैं, और जो नहीं खेल रहे उनके स्कोर है ही नहीं, तो हमें जो है निकालना है जो नहीं खेल रहे। तो ये जो है जिनके स्कोर यहाँ पे नहीं है, हम इन सेल को जो है यहाँ पे काउंट कर लेंगे, ठीक है। इसके लिए यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे कौन सा फॉर्मूला, इज इक्वल टू काउंट ब्लैंक, ठीक है, क्योंकि ये ब्लैंक सेल है, इसको मुझे रेंज लेना है अंदर, ये ब्लैंक सेल मैं काउंट कर लूँगा। तो यहाँ पे फाइव प्लेयर जो नहीं खेल रहे हैं जिनका स्कोर है ही नहीं, ठीक है, इस तरह से फाइव निकालेंगे। अब नेक्स्ट देखते हैं वो क्या कह रहे हैं, ये हमने यहाँ पे कर लिया। आगे है हाईएस्ट स्कोर प्लेयर, अब जिनका स्कोर हाईएस्ट है वो उस प्लेयर का नाम क्या है। अब यहाँ से हाईएस्ट स्कोर आपका क्या दिख रहा है, ये रहा हाईएस्ट स्कोर, और बस उसका नाम निकालना है हमें फॉर्मूले के थ्रू, कैसे निकलेगा। तो पहले तो यहाँ इज इक्वल टू और ये रन स्कोर को क्लिक करना है एंटर, क्राइटेरिया बनाएंगे पहले, फिर यहाँ इज इक्वल टू और हाईएस्ट स्कोर को क्लिक करेंगे, ठीक है। इस तरह से ये तो हमारा बन गया क्राइटेरिया, ठीक है। अब फॉर्मूला कौन सा लगेगा, आपको याद होगा कि जब इस तरह का वैल्यू हो हमारे पास तो उसके सामने का डाटा निकालने के लिए डीगेट का इस्तेमाल करते हैं, हमने पीछे किया था, ठीक है। इज इक्वल टू डी गेट लगाएंगे, और यहाँ डाटा बेस सेलेक्ट करना है, मीन्स पूरा टेबल ले लेते हैं यहाँ पे, फिर कॉमा फील्ड लेना है, आप किस फील्ड में जानना चाहते हैं प्लेयर का नाम, ये प्लेयर नेम इसमें जानना है मुझे, फिर यहाँ कॉमा, अब क्राइटेरिया जो हमने यहाँ बनाया, ठीक है, और फिर यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज। अब यहाँ पे समझ लो ये ब्लू रेंज पूरा टेबल, ये ग्रीन किस एरिया में, प्लेयर नेम के एरिया में, क्राइटेरिया ये चीज बताओ, तो एंटर कर देंगे। और यहाँ पे डाटाबेस आप देख लेना, यहाँ से लेना है डाटाबेस, ठीक है, ये स्कोर इंडियन स्कोर रेम ये नहीं लेना, इतना लेना है डाटाबेस, ठीक है, और फिर ओके कर देंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो हाईएस्ट स्कोर में किसका नाम है, शिखर धवन, ये नाम है, इस तरह से निकल जाएगा, ठीक है। तो इसको जो है हमने यहाँ पे इस तरह से किया, इसी तरह से यहाँ पे हाईएस्ट निकला, तो इसी तरह अब हमें लोएस्ट निकालना है, ठीक है, लोएस्ट स्कोर प्लेयर कौन है वो बंदा। तो उसके लिए फिर वापस से रेड एरिया बनाएंगे, इज इक्वल टू यहाँ पे रन स्कोर को क्लिक करना है, और फिर यहाँ से इज इक्वल टू लेके जीरो देखना सबसे मिनिमम स्कोर, ये रहा जीरो, एंटर, ये हमने क्राइटेरिया बनाया। अब यहाँ पे फॉर्मूला लगाते हैं इज इक्वल टू, ये क्राइटेरिया लोएस्ट प्लेयर के लिए है, तो यहाँ पे लोएस्ट के लिए निकलेगा। तो डी गेट लगाना है, डी गेट डाटा बेस लेना है, मीन्स ये इतना, ठीक है, कॉमा। अब आगे फील्ड नेम डालना है, फील्ड नेम किस में जाना चाहते हैं, प्लेयर नेम में, तो यहाँ पे प्लेयर नेम लेंगे और फिर आगे करेंगे कॉमा, आगे क्राइटेरिया जो हमने यहाँ पे करा है, ठीक है, रन स्कोर जीरो जिनका है, आप फील्ड नेम प्लेयर नेम बताएगा इस तरह से, फिर ब्रैकेट क्लोज करके एंटर। ये जो है सुरेश, इस तरह से ये निकल गया जीरो में ये, ठीक है, दोनों में जो है यहाँ पे डी गेट ही लगेगा। आपको क्राइटेरिया बनाना है एक हाईएस्ट के लिए एक लोएस्ट के लिए। अब नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे हमने लोएस्ट का भी निकाला, अब निकालना है टोटल ओवर्स प्लेड। तो देखो टोटल यहाँ पे कैसे निकालेंगे, टोटल ओवर कितने खेल लिए हैं इज इक्वल टू
टोटल बॉल्स कितने प्ले हुए हैं 300, इसको सिलेक्ट कर लेंगे और डिवाइड कर देंगे 6 से, ठीक है, और फिर करेंगे एंटर। ये जो है 50 ओवर जो है खेले गए यहाँ पे, ठीक है, 6 से डिवाइड करने के बाद ये 50 ओवर निकलेगा, यहाँ पे देख रहे हो आप। तो अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है नंबर ऑफ रिमेनिंग बॉल्स लेफ्ट टू प्ले, कितने बॉल्स जो है रह गए हैं खेलने से। तो यहाँ पे टोटल जो है हमने 300 बॉल खेल लिए हैं, ठीक है। अब हमें पता ही नहीं है कि इतने टोटल बॉल्स हैं गेम में, तो हम माइनस किससे करें, ठीक है, तो इस पॉइंट को हम रहने देते हैं क्योंकि हमें पता नहीं है कितने ओवर्स का है गेम और कितने बॉल्स का है, जो भी आप समझे, ठीक है, इसको रहने देते हैं। अब नेक्स्ट है यहाँ पे हाइड द डाटा ऑफ योर एक्सेल शीट। अब एक्सेल शीट से डाटा को हमें हाइड करना है, वो कैसे करेंगे, हमने जो भी यहाँ पे खिचड़ी पकाई है इसे अब हाइड करना हो तो कैसे कर सकते हैं। अभी इसके लिए ये रहा व्यू ऑप्शन में जाएंगे और वी में ये रहा यहाँ पे हाइड, इस पे जैसे क्लिक कर देंगे ये देखो अपना डाटा यहाँ पे पूरा हाइड हो जाता है, ठीक है, इस तरह से। फिर वापस हमें अनहाइड करना हो तो यहीं पे क्लिक कर देंगे हम, अनहाइड हो जाएगा कि यही शीट है ना, हाँ जी यही शीट है, और यहाँ से अनहाइड हो जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट यहाँ पे है प्रोटेक्ट योर शीट, ठीक है, अपने शीट को लॉक करना है और एक बारी वर्कबुक को लॉक करना है, और दोनों में क्या डिफरेंस है जानना है। शीट के लिए तो हम सिंपली, ये तो मैंने आपको पीछे बताया था दोस्तों, शीट को प्रोटेक्ट करना हो तो हम रिव्यू ऑप्शन में यहाँ प्रोटेक्ट शीट कर सकते हैं, पूरे फाइल को लॉक करना हो तो हम यहाँ से ऑफिस बटन से कर सकते हैं, ये मैंने पिछले लेसन में आपको बता दिया था, ठीक है। और इस तरह से यहाँ पे ये पॉइंट भी होता है लास्ट सेव एंड क्लोज, तो सेव क्लोज के लिए कंट्रोल कीबोर्ड से एस प्रेस करेंगे तो ये सेव हो जाएगा, ठीक है, और देन इजीली यहाँ से क्लोज हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप जो है ये सभी पॉइंट्स मैंने यहाँ पे आपको ये बेहतर तरीके से समझाने की कोशिश करी और समझे होंगे। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, साथ ही दोस्तों के साथ वीडियोस को शेयर भी करना, ठीक है, ताकि वह भी प्रैक्टिस कर सके, सीख सके दोस्तों। इसी तरह वीडियोस को देखते रहे, सीखते रहे, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज़।